टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिलाओं की टीम ने भले ही कांस्य पदक पर जीत पक्की नहीं कर सकी, लेकिन पिछले बार के चैंपियन ग्रेट ब्रिटेन की टीम को जिस तरह से टक्कर दी है वो काबिले तारीफ है। और इसी टीम के दो धुरंधर खिलाड़ी निक्की प्रधान और सलीमा टेटे बुधवार को रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंची। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही प्रोजेक्ट भवन सभागार में मुख्यमंत्री ने इन खिलाड़ियों को सम्मानित किया और 50-50 लाख रुपये का चेक दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खेल और खिलाड़ियों के लिए कई घोषणाएं भी की है। ये सब मनासर कुदरत ने नवाजा है, प्राकृतिक सौंदर्य से भी नवाजा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि खेल के दिशा में, खेल के जगत में भी हमारे राज्य के नौजवानों में बहुत बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता भी है और हम लोग बहुत सीमित संसाधनों में हमारे बच्चों ने, मैंने इन बच्चों का रहन सहन, घर द्वार, सभी चीजों के बारे में जानने का कोशिश किया और इस खेल में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं इस पर लगातार विभाग में हम विश्लेषण करते रहते हैं। मौके पर निक्की प्रधान और सलीमा टेटे इस सम्मान से काफी खुश दिखी। दोनों खिलाड़ियों ने कहा कि पूरी टीम बेहतर प्रदर्शन करने के लिए एकजुट होकर खेल रही थी, इसके बावजूद कुछ गलतियों के कारण भारतीय महिला हॉकी टीम मेडल से चूक गई। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके हमें भी दुख है। जाने से पहले भी हम लोग के साथ प्रधानमंत्री सर ने बात किया था और हम लोग को बहुत अच्छे से मोटिवेट किया था। हम मैच हार भी गए, उसके बाद भी सर कोच किए थे हम लोग को और हम लोग को काफ़ी उस टाइम मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं, भले तुम लोग मेडल हार गए हो पर इंडियन वुमेंस हॉकी को जो नाम मिला है अभी वो बहुत अच्छी बात है, ज़रूर हम आने वाले टाइम में मेडल जीत सकते हैं। तो ये हमारे पीएम ने जो मोटिवेट किया वो काफी अच्छा था हम लोग के लिए। सरकार की तरफ से आज सम्मानित किया गया है, क्या महसूस कर रही हैं मुख्यमंत्री के लिए, क्या कुछ कहेंगे सरकार के लिए, राज्य के लिए? बिल्कुल, हम लोग टोक्यो जाने से पहले ही हम लोग को सर बोले थे कि मैं हमेशा फोन पे बात किए थे, हम लोग जब बैंगलोर में थे तो सर फोन किए थे और हम लोग को अच्छे से मोटिवेट किए थे कि जो भी होगा हम आपको, आप लोग को हमेशा हेल्प करेंगे। और बिल्कुल हम लोग जब वापिस आए यहाँ पे, भले हमारे हाथ में मेडल नहीं है पर जिस तरह से हम लोग को सम्मान कर रहे हैं सर, तो उसके लिए मैं हेमंत सर को तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि इसी तरह आने वाले टाइम में जो भी यंग स्टार है उनको अभी नीचे से अगर सपोर्ट मिले तो काफ़ी जल्दी वो इंडिया के लिए खेल सके। राज्य के खिलाड़ियों के लिए कोई संदेश? उनको मैं यही बोलना चाहती हूँ क्योंकि जो छोटे यंग स्टार होते हैं कई बार हम सोचते हैं कि एक दिन मेहनत करे और हमें कुछ मिल जाए, पर ऐसे नहीं होता है क्योंकि आपको उसके लिए हर दिन मेहनत करना पड़ेगा। और ये नहीं कि आपको कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका दिल में उसके लिए जुनून होना चाहिए। आप अगर आप जिस चीज़ को आप करना चाहोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता।